प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम प्लेटो के दर्शन में जो उसका शिक्षा योजना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के जो व्याख्यान थे उसमें मैंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में आपको चर्चा की थी। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वो प्राणवायु है जिसकी प्राप्ति के लिए उसने शिक्षा को आवश्यक माना है। उसने जो आदर्श राज्य की जो कल्पना की है प्लेटो ने, उसके लिए उसने दो महान व्यवस्थाओं की हैं। उसने एक तो थी उसकी शिक्षा योजना और दूसरी थी उसकी साम्यवादी समाज व्यवस्था। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा न्याय प्राप्ति का वो सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की बुराइयों को सुधारने का प्रयास करता है, अपने दोषों को दूर करके उसे नवजीवन वो प्रदान करता है। व्यक्ति के उत्थान का आध्यात्मिक मार्ग है शिक्षा। इस कारण प्लेटो ने की जो रिपब्लिक है उसमें शिक्षा पर उसने गंभीर चिंतन किया है, मंथन किया है। और यदि हम ये कहें कि उसका रिपब्लिकन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा के उद्देश्य के बारे में उसने बताया कि शिक्षा वो ढांचा है जिसमें व्यक्ति को नैतिक श्रेष्ठता के अनुकूल ढाला जा सकता है। उसने शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए कि शिक्षा क्यों आवश्यक है। व्यक्ति को समाज की अनुकूल ढालने की सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा। उसका पहला ये मानना था कि व्यक्ति को यदि समाज की अनुकूल ढालना है तो शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा सत्य के दर्शन का मार्ग है। दूसरा उसका मानना था कि शिक्षा सत्य के दर्शन का मार्ग है जिसमें व्यक्ति अंतिम जो सत्ता है उसका चिंतन करने योग्य बनता है। और तीसरा उसका मानना था, उद्देश्य उसका था कि वह सामाजिक नीति परायणता में दीक्षित होने का मार्ग है कि व्यक्ति सामाजिक रूप से सक्षम हो, सामाजिक रूप से अपने दायित्वों को पूरा करे और उसमें पारंगत हो, शिक्षा उसका एक मार्ग है। तो उसने अपनी शिक्षा के इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उसने शिक्षा अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। उसकी जो शिक्षा योजना का जो हम थोड़ा से उसके स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे कि उसकी शिक्षा योजना का स्वरूप क्या था। उस समय यूनान में दो तरह की शिक्षा योजनाएं चल रही थी। एक तो थी एथेंस की शिक्षा योजना और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा योजना। दोनों ही जो शिक्षा योजनाएं थी उनके अपने अपने गुण दोष थे। एथेंस की शिक्षा में राजकीय व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा व्यक्ति का खुद का अपना दायित्व हुआ करता था। ये परिवार का दायित्व होता था कि वो अपने बच्चे को किस तरह की शिक्षा देना चाहते थे। इसके लिए न तो राज्य की तरफ से कोई सहायता दी जाती थी और न ही कोई पाठ्यक्रम तय किए जाते थे। ये व्यक्ति का स्वयं का दायित्व होता था कि वो किस तरह की शिक्षा प्राप्त करे। पाठ्यक्रम भी तीन भागों में बटा हुआ था एथेंस का। एक तो प्राथमिक शिक्षा हुआ करती थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, एक माध्यमिक शिक्षा होती थी 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए और एक उच्च शिक्षा हुआ करती थी 18 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक उसी तरह जो दूसरा नगर राज्य था वहाँ पर स्पार्टा, स्पार्टा में भी शिक्षा राज्य के अधीन, बिल्कुल उल्टा था वहाँ पर कि शिक्षा राज्य के अधीन थी और चूँकि वहाँ पर युद्ध का बोलबाला हुआ करता था अतः 7 वर्ष की अल्पायु में ही बालक को किसको सौंप दिया जाता था, राज्य को सौंप दिया जाता था। राज्य उसकी प्रतिभा को देखता था, उसकी अभिरुचि को देखता था और उसी के अनुसार वो शिक्षा देता था। लेकिन मुख्य जोर किस पर हुआ करता था? सैनिक शिक्षा पर जोर हुआ करता था। अच्छे सैनिक तैयार करना ही स्पार्टा की शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। उस समय स्पार्टा में स्त्रियाँ जो महिलाएं थी उनके लिए भी सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। परिवार विवाह जैसी कोई संस्था नहीं होती थी। पुरुषों को 50 वर्ष तक राजकीय पुरुष घरों में रहना पड़ता था, अनिवार्य था उनके लिए। सामाजिक व्यवस्था भी सैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही थी। तो न्याय प्राप्ति के लिए अपने जो साधन के रूप में जब प्लेटो ने शिक्षा योजना पर विचार किया तो उसने अपनी तरफ से एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की जिसमें उसने एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा योजना की जो अच्छाइयाँ थी उनको सम्मिलित किया। एथेंस से उसने शिक्षा का वैयक्तिक पक्ष लिया और स्पार्टा से उसने शिक्षा का सामाजिक पक्ष लिया। वैयक्तिक पक्ष में उसने ये माना कि व्यक्ति के जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य का साक्षात करके उसी के अनुरूप जीवन यापन करना है। सामाजिक पक्ष में राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा के द्वारा स्वार्थपरता, व्यक्तिवाद और अयोग्यता को मिटाकर नागरिक को राज्य के आदर्श के अनुकूल बनाया जा सके, ये उसका शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था।
उसकी शिक्षा योजना के उसने अपने दार्शनिक आधार भी प्रस्तुत किया, दर्शन के आधार पर भी उसका ये मानना था। उसकी शिक्षा योजना के दो आधार थे। उसका पहला आधार ये था कि उसका ये मानना था कि आत्मा कोई निष्क्रिय वस्तु नहीं है बल्कि सक्रिय है, और इसी सक्रियता के कारण वो अपने पर्यावरण, आसपास के जो पर्यावरण है उसके प्रति वो आकर्षित होती है। अतः शिक्षक का दायित्व क्या है? शिक्षक का दायित्व है कि वो उसके सामने ऐसा सुंदर वातावरण प्रस्तुत करे जिससे आत्मा उस उद्देश्य की तरफ, जो उद्देश्य उसको प्राप्त करना है उसकी तरफ वो अग्रसर हो सके। जो मन के अंतर चक्षु हैं वो उनको प्रकाशित करना है शिक्षा का, एक शिक्षक का दायित्व है। और उसका दूसरा ये मानना था दार्शनिक कि शिक्षा जो आत्मा है वो क्रियाशील है, और क्रियाशीलता के लिए उसके लिए उसको जिस तरह अपने शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है ठीक उसी तरह उसको आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो एक शिक्षक का दायित्व क्या है, एक राज्य का दायित्व क्या है कि वो आत्मा को ऐसा भोज्य पदार्थ उत्पन्न करे जिससे कि उसको शुभ की प्राप्ति हो सके। तो इसके लिए शिक्षा क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी आधार पर हम मान सकते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु, एथेंस की जो बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ उसने स्पार्टा की संयमित शारीरिक शिक्षा को अपनी शिक्षा योजना में जोड़ा। दूसरा, उसने शिक्षा योजना की क्या विशेषता थी, स्त्री और पुरुषों को एक ही प्रकार की शिक्षा का उसने समर्थन किया। तीसरा, समानता का वो पक्षधर था, स्त्री पुरुष को समान शिक्षा देना चाहता था लेकिन फिर भी उसने उत्पादक और श्रमिक वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा। ये एक विडम्बना मान सकते हैं, विशेषता नहीं बल्कि एक विडम्बना है कि उसने उत्पादक और श्रमिक वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा। एक विशेषता हम और मान सकते हैं उसकी, उचित आयु के उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, कि हर आयु के लिए उसने उचित शिक्षा की व्यवस्था करी। उसकी जो शिक्षा योजना थी वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसने शिक्षा में संगीत को भी स्थान दिया। समाज में उन्नति के शिखर पर यदि उसका ये मानना था कि संगीत एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समाज को उन्नति के शिखर पर भी पहुंचाया जा सकता है, और यदि उसका दुरुपयोग कर दिया जाए तो वो समाज को भ्रष्ट भी कर सकता है। उसकी शिक्षा योजना की एक और विशेषता थी कि प्रत्येक वर्ग को वही शिक्षा जो उसके लिए अनिवार्य हो, उसकी वो शिक्षा जो उसके लिए अनिवार्य हो। तो ये शिक्षा, उसकी शिक्षा योजना की हमें कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। उसने शिक्षा योजना का अपना पाठ्यक्रम भी दिया। उसकी योजना पाठ्यक्रम को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा और एक उसकी उच्च शिक्षा। उच्च, ये दोनों ही आधार दो आधारों पर है, एक तो अवस्था के आधार पर और एक वर्ग के आधार पर। कि प्रारंभिक शिक्षा उसने बाल्यकाल से युवावस्था तक शुरू की और सिर्फ सैनिक वर्ग के लिए। उसने समाज के जो तीन वर्ग बताए, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, तो उसने सैनिक वर्ग के लिए शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की, क्योंकि उसका ये मानना था कि इससे भावनाओं का परिमार्जन होगा और चरित्र का निर्माण होगा। और उच्च शिक्षा उसने युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक उसने के लिए उसने समय निर्धारित किया। ये शिक्षा शासक वर्ग के लिए थी जिसका उद्देश्य था विज्ञान और ज्ञान द्वारा बुद्धि का परिष्कार करके विवेक की सृष्टि का जन्म देना। प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो ने तीन भागों में विभाजित किया, एक तो 6 वर्ष तक की शिक्षा, दूसरा 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा, और तीसरा 18 से 30 वर्ष तक की शिक्षा। प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें शारीरिक, साहित्यिक, संगीतात्मक शिक्षा को सम्मिलित करता है। वो संगीत द्वारा बालक बालिकाओं की आत्मा को निर्बल बनाना, व्यायाम द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाना, ये दोनों ही शिक्षाएं वो प्रारंभिक शिक्षा में सम्मिलित करता है। और संगीत के द्वारा उसका ये मानना था कि संगीत और काव्य है उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, और वो उसी में संगीत के द्वारा राज्य में सुधार कर सकें। उच्च शिक्षा दूसरी उसकी थी, शिक्षा का दूसरा जो आधार वो था प्रकार उच्च शिक्षा। ये सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, और एक तरह से हम कहें कि रिपब्लिक की सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक व्यवस्था ये है। इसमें उसने उच्च शिक्षा को भी दो भागों में बांटा, एक तो 20 वर्ष से 30 वर्ष तक की शिक्षा और एक 30 वर्ष से 35 वर्ष तक की शिक्षा। हर स्तर पर उसने वैज्ञानिक विषयों को चुना जो मस्तिष्क को विकसित कर सकें, जैसे कि गणित,
ज्योतिष, तर्कशास्त्र, ये ऐसे विषय थे, ये विद्या ऐसी थी कि जिनके द्वारा नई शोध होगी, नई जानकारियाँ मिलेंगी, उसका ये मानना था। और शिक्षा का जो औपचारिक शिक्षा का जो इसका प्लेटो का पाठ्यक्रम है वो 35 वर्षों तक ही चलता है। हम देखते हैं कि 35 वर्षों तक चलता है कि 20 से 30 वर्ष तक तो वो वैज्ञानिक विषयों को चुनता है और 30 से जो 35 वर्ष तक वो ऐसे विषयों को चुनता है जिसमें शोध की प्रमुखता हो। 50 वर्ष के अगले 15 वर्ष तक उसने जो सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त की है उस सैद्धांतिक शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में किस तरह लागू करना है इस पर वो विचार करता है ताकि व्यवहारिक शिक्षा वो प्राप्त कर सके। 35 वर्ष तक तो वो क्या करेगा, इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करेगा और 35 वर्ष के बाद में वो संसार के तूफानी थपेड़े खाकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करेगा। और 50 वर्ष की आयु तक वो जो शासक वर्ग है वो कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने के बाद हम कह सकते हैं कि प्लेटो उस दार्शनिक शासक को तैयार करता है जो उसके आदर्श राज्य का सर्वोपरि होगा। और उसका ये मानना था कि 50 वर्ष की आयु के बाद में भी दार्शनिक शिक्षा, जो दार्शनिक जो होगा व्यक्ति, उसको स्वाध्याय करते रहना चाहिए क्योंकि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। भले ही शिक्षा योजना की हमें कितनी भी अच्छाइयाँ हमें दिखाई देती हों, हमें अच्छी लगती है दार्शनिक आधार पर, लेकिन शिक्षा योजना की, प्लेटो की शिक्षा योजना की हमें कुछ कमियाँ भी दिखाई देती हैं। जैसे कि कुछ कमियों पर मैं इंकित करना चाहूँगी, जैसे कि उत्पादक वर्ग को वो शिक्षा से वंचित रखता है, जबकि समाज में उत्पादक वर्ग की भी अपनी भूमिका है, उसे भी शिक्षा दी जानी चाहिए। उसने गणित को आवश्यकता से अधिक बल दिया, जो उच्च शिक्षा है उसमें गणित को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, साहित्य की उपेक्षा की उसने, ये कला पर, जबकि हम ये देखते हैं कि कला पर किसी राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। कला एक स्वच्छंद वातावरण चाहती है, यदि कला का विकास हमें करना है तो राज्य का नियंत्रण उस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लेटो की शिक्षा योजना राज्य के नियंत्रण में ही चलती है। एक और हमें कमी दिखाई देती है कि प्लेटो का जो शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम है वो जरूरत से ज़्यादा लंबा है, कि 50 शिक्षा योजना एक निश्चित समय तक होनी चाहिए, एक 50 वर्ष तक यदि शिक्षा ये चलती रहेगी तो व्यक्ति का आधा जीवन उसी में निकल जाएगा। और एक है कि उसकी शिक्षा योजना से सिर्फ दार्शनिक वर्ग को ही लाभ है, दूसरे वर्ग को उसको लाभ नहीं है। जो सिर्फ दार्शनिक वर्ग ही शिक्षा प्राप्त करेगा, दूसरा वर्ग शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा। और उसने स्त्री और, एक और हमें जो उसमें आलोचना दिखती है कि स्त्री और पुरुष को उसने शिक्षा में समानता तो दी है, लेकिन प्रकृति ने ही जब स्त्री और पुरुष की मौलिक संरचना में अंतर किया है तो ऐसी स्थिति में उनको एक सी शिक्षा देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और एक और आलोचना हम कर सकते हैं कि उसने राज्य को ज़्यादा महत्व दिया, व्यक्ति को कम महत्व दिया, व्यक्ति को राज्य की स्थापना का उसने एक साधन माना, जबकि व्यक्ति का स्वयं का अपना अस्तित्व है, उसमें स्वयं उसके मन के चक्षु खुले और उस स्वयं अपना विकास करे, यही सबसे बड़ी शिक्षा की उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन प्लेटो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी रिपब्लिक में शिक्षा योजना की जो व्यवस्था प्लेटो ने की है वो उसका सर्वश्रेष्ठ शिक्षा योजना हम कह सकते हैं। धन्यवाद।